वेलकम टू माय आर्चेंट हाउस व्यूअर्स, मैं हूं आर्किटेक्ट शांतनु। शेयर करेंगे 480 स्क्वायर फीट का टू बेडरूम हाउस प्लान। सो व्यूअर्स, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है और प्लान डिटेल्स में टू बेडरूम, कॉर्नर में टॉयलेट और किचन विथ डाइनिंग और ड्राइंग विथ स्टेयर। सो अब चलते हैं, जो डायमेंशन है वो हम देखेंगे। बिल्डिंग का जो साइज है, फ्रंट में हमें जितना मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक 21 फीट 21 फीट, और लेंथ में जो हमें मिल रहा है ये है 23 फीट, मतलब 23 फीट। सो 21 फीट बाई 23 फीट 480 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है। सो व्यूअर्स, अब चलते हैं, हमने कॉलम इरेक्ट कर लेते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे डिज़ाइन के हिसाब से कॉलम लेआउट किया हूँ, और कॉलम का जो साइज है 10 इंच बाई 10 इंच, मैंने डिज़ाइन के हिसाब से कॉलम लेआउट किया हूँ। टोटल यहाँ पे हमने 10 कॉलम का ज़रूरत होगा। सो मैंने कॉलम का जो हाइट है ये रूफ बीम बॉटम तक हमने इरेक्ट कर लिया हूँ। मेनली ये जो घर होगा ये हमारा 10 फीट का है, और फ्रंट में देखिए ये साइड में हमने स्टेयर प्रोवाइड कर दिया हूँ। यहाँ पे हमने स्टेयर दिया हूँ जो कि ड्राइंग रूम के साथ जुड़ा हुआ है। देन हम क्रिएट करते हैं वॉल, आउटर वॉल एंड एक्सटर्नल जो है, और साथ में हम इंटरनल वॉल। दोनों वॉल का जो थिकनेस है 5 इंच का है, और मतलब 125 mm का है। सो पहले हम टोटल वॉल क्रिएट कर लेते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे इसका डायमेंशन और डिटेल्स, फर्नीचर लेआउट। और स्टेयर के नीचे हमने वॉल उठा लेते हैं। स्टेयर का जो लैंडिंग है ये हमने बाहर तरफ निकला हुआ है 3 फीट 5 इंच का, क्योंकि फ्रंट साइड में हमने ऐसे भी कुछ जगह छोड़ना होता है, सो उसको हम यहाँ पे यूज कर लिया हूँ। और इसमें हमें बिल्डिंग का जो व्यू होगा ये भी देखने के लिए थोड़ा अच्छा होगा। सो अब चलते हैं, इसका टेक्स्ट के साथ हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस बिल्डिंग का 2 गेट दिया गया है, एक मेन गेट मतलब मेन एंट्रेंस, और एक सेकेंडरी एंट्रेंस मतलब एग्जिट वाला गेट। यहाँ पे हमने एग्जिट वाला गेट पीछे बिल्कुल रखा हूँ, अगर पीछे का जगह है तो ये हम आराम से यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे आने जाने के लिए। और फ्रंट में हमारा मेन एंट्रेंस और स्टेप दिया गया है 2 स्टेप, क्योंकि हमारा जो प्लिंथ हाइट है मैंने यहाँ पे 1 फीट का रखा हूँ। मेन गेट के बाद हम पहुँचेंगे हमारा हॉल रूम, जिसको हम लिविंग एरिया कहते हैं, लिविंग पर्पस ड्राइंग रूम बोलते हैं। ये हॉल कम लिविंग रूम, यहाँ पे ही हमने स्टेयर प्रोवाइड किया हो। स्टेयर के बारे में भी हम डिटेल डायमेंशन बात करेंगे। सो पहले आप फिलहाल हमने जो लिविंग रूम का डायमेंशन है वो हम देख लेते हैं। जस्ट चौड़ाई में 9 फीट 9 इंच, और इस तरफ लंबाई में होगा 10 फीट 11 इंच, मतलब 11 फीट है। सो काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर हमें स्टेयर भी दिया गया है। आप चलते हैं, हमारा किचन विथ डाइनिंग साथ में रखा हुआ है। सो ये किचन और किचन साथ में किचन एंड डाइनिंग, यहाँ पे हमने विंडो वगैरह ये हमने हमारा थंबनेल में दिखा दिया हूँ। किचन स्लैब 1 साइड का, और अब चलते हैं फर्नीचर लेआउट भी हम करके देख लेते हैं। पहले साइज देख लेते हैं, 9 फीट 9 इंच बाई इस तरफ 6 फीट 5 इंच फर्नीचर लेआउट। डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे रख दिया हूँ,
ये ऑप्शनल पार्ट है। अब चलते हैं हमारा कॉमन सेम कॉमन टॉयलेट टी एंड बाथरूम, एक ही कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम दिया गया है बिल्कुल कॉर्नर में। काफ़ी लोग चाहता है कि हमारा जो टॉयलेट है बिल्कुल कॉर्नर में हो जाए, सो उसी के हिसाब से ये बनाया गया है। लेंथ है 6 फीट 5 इंच बाई इस तरफ हमें 4 फीट का है। सो अब चलते हैं हमारा बेडरूम वन, ये हमारा बेडरूम वन। उससे पहले हमने यहाँ पे हमारा जो डोर है डोर को बना लेते हैं। हमने डोर को इस तरह रखा हूँ क्योंकि बिल्कुल फ्रंट में ना हो जाए गेट, सो इसीलिए इसको थोड़ा सा ऑफसेट करके एक वॉल वार्ड्रोब मतलब रूम वार्ड्रोब भी यहाँ पे बन गया है। ये हमारा बेडरूम वन और साथ में हमने डायमेंशन भी देखेंगे। और इसमें देखिए ये वाला जो ऑफसेट वाला पार्ट है यहाँ पे हमने वॉल वार्ड्रोब मतलब रूम वार्ड्रोब है, ये रूम के साथ अलमारी दिया गया है। एवरेज डायमेंशन हम लेंगे सो 10 फीट 1 इंच बाई इस तरफ हमें मिलेगा दिस पार्ट टू दिस पार्ट 10 फीट। देन हम चलेंगे दूसरे पार्ट में, फ्रंट साइड में और एक बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे भी हमने सेम डोर बना लेते हैं पहले, ये डोर बन गया है। अब चलते हैं इसका डायमेंशन, यहाँ पे भी एक हमने रूम के साथ वार्डरोब दिया हूँ अलमारी, ये बेडरूम टू। साइज पहले तो हमारा जो एवरेज साइज है वार्डरोब को लेके एवरेज जो साइज है इस तरफ हमें मिलेगा 9 फीट 10 इंच, बट ये काफ़ी अच्छा मिल जाएगा हमें। टोटल जो साइज है ये हमें मिलेगा 10 फीट 11 इंच मतलब 11 फीट, और चौड़ाई में होगा इस तरफ 10 फीट है। सो हमारा जो आज का हाउस प्लान है बिल्कुल हमने डायमेंशन के साथ डिस्कशन किया हूँ। अब चलते हैं हमारा जो स्टेयर है स्टेयर का लेंथ और जो ट्रेड है वो बात कर लेते हैं। यहाँ से जो लेंथ है 2 फीट 6 इंच और जो ट्रेड है मतलब चौड़ाई है ये हमारा 10 इंच है और जो हाइट है ये हमारा 6 इंच है। ये फर्स्ट फ्लाइट है और सेकंड फ्लाइट हमने ओमिट रखा हूँ, सेकंड फ्लाइट के जस्ट नीचे हमने टीवी यूनिट भी रख सकते हैं। सो व्यूअर्स आज का जो हाउस प्लान कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।